Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at speaking task reader lecture. This video is going to be in Hindi. An English version of this video is already out. If you don't speak or understand Hindi, you can watch that video. The link is in the description box. Hanji bhai, ye video hone wala hai. Retail lecture के बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा, जो भी आपको चाहिए retail lecture में, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, कौन सा टेम्पलेट वर्क करेगा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, टेम्पलेट को वर्क कैसे करवाना है. सो मार्किंग क्राइटेरिया, व्हाट द टास्क इज अबाउट, टेम्पलेट एंड डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग 10 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, कम कीवर्ड्स है क्या करना है, कितने सेकंड बोलना. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, बात पे आते हैं. होता क्या है इस टास्क में, कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन लगेगी, आपको एक ऑडियो लेक्चर आता है जो 40 सेकंड से लेकर 90 सेकंड का हो सकता है. ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आपके पास 7 से 10 सेकंड होते हैं. एक बार ऑडियो स्टार्ट हो जाए, 40 से 90 सेकंड की ऑडियो आती है, उसके बाद आपको 10 सेकंड मिलते हैं तैयारी करने के लिए, और फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि 40 सेकंड तक जाती है. सो बेसिकली विल गेट अ लेक्चर ऑन विच यू हैव टू स्पीक फॉर अराउंड 40 सेकेंड्स. कभी कभार वीडियो भी आती है, कई कभार ऐसी इमेज भी आती है. ये डिस्क्राइब इमेज नहीं है, रिटेल लेक्चर है, तो एग्जाम में भी कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे क्या लेक्चर आएगा, इमेज को देख के ये मत समझना कि ये डिस्क्राइब इमेज है, ये रिटेल लेक्चर है. बट रिटेल लेक्चर में भी कई बार लेक्चर से रिलेटेड इमेजेस आ जाती हैं. जैसे मैंने बताया, यू विल गेट एन ऑडियो वीडियो लेक्चर 40 से 90 सेकेंड्स लॉन्ग. जब ऑडियो चल रही होगी, आपने नोट्स लेने हैं. ऑडियो के बाद आपके पास 10 सेकेंड्स हैं तैयारी करने के लिए, उसके बाद आपको 40 सेकंड मिलेंगे रिटेल लेक्चर करने के लिए या अपना लेक्चर दोबारा बताने के लिए. 40 सेकंड का एग्जैक्ट ये मतलब नहीं है कि आपको 40 सेकंड बोलते रहना, यू कैन गो एनी वे अराउंड 30 सेकंड्स एज वेल. ये टास्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी नंबर देता है. आपको रिटेल लेक्चर एक या दो एग्जाम में आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है. बाकी टास्क की तरह ये भी 3 पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कॉन्टेंट. 5 नंबर फ्लुएंसी के, 5 प्रोनाउंसिएशन के, 5 कॉन्टेंट के. ये दोनों फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन है स्पीकिंग में जाते हैं, कंटेंट के नंबर लिसनिंग में जाते हैं. अब ये मार्क कैसे होता है आपको दिखाता हूँ. मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला कि फ्लुएंसी का मतलब है एक स्मूथ फ्लो में जाना, बहुत तेज भागना नहीं है, बहुत स्लो नहीं जाना है, नेचुरल पॉज लेने, अननेचुरल नहीं लेने. नेचुरल का क्या मतलब है, जहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ कॉमा, जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे लो, बट ये नहीं कि दो वर्ड बोल के रुके या सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी रुके. हेजिटेशन अवॉइड करनी है, ऐसे साउंड्स, और कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं करना है. अगर कोई गलती होगी, यू जस्ट मूव ऑन. प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है, क्लियर बोलना है, एक्सेंट चेंज नहीं करना, जो आपका नेचुरल एक्सेंट वो बोलो, तेज मत भागो. देखो, आपने एक कंप्यूटर को बताना है आप क्या बोल रहे हो. अगर कंप्यूटर के सामने बहुत तेज बोलोगे, कंप्यूटर विल हैव प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. एक मॉडरेट पेस पे जाओ और नेचुरल वे में बोलो, यू विल बी फाइन. कंटेंट का क्या मतलब है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार कंटेंट के लिए क्या करना है, सारा रिटेल लेक्चर दोबारा बताना है. आप प्रैक्टिकली देखो, लेट से एक लेक्चर 50 बच्चों को दिया, हर एक बंदा उसको सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, लेट सपोज ऑब्वियसली हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा. हम ये सपोज करते हैं कि जो ये 50 बच्चे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, बट हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा. मैं अलग तरीके से रिटेल करूंगा, आप अपने वर्ड्स में करोगे, तीसरा बच्चा अपने वर्ड्स में करोगे. जब आपका पेपर सबमिट होता है या कंप्यूटर सबमिट होता है, सारा कुछ कंप्यूटर द्वारा ही असेस्ड होता है या चेक होता है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कंप्यूटर ने चेक करना है. अब कंप्यूटर एक्यूरेसी नहीं देखता, कंप्यूटर क्या देखता है, मेरा आंसर अलग है, इसका अलग है, हजारों अलग अलग रिस्पॉन्स है, तो देर कैन नॉट बी फिक्स्ड आंसर, कोई पक्का आंसर नहीं है इसका. बट आपके आंसर, मेरे आंसर, बाकी सब बच्चों के आंसर में क्या कॉमन होगा, कीवर्ड्स कॉमन होंगे. अगर आपको पेरिस के बारे में लेक्चर आया, तो आप भी पेरिस से रिलेटेड कीवर्ड्स जो लेक्चर में बोले वो इंक्लूड करोगे, मैं भी करूंगा. बट ऑब्वियसली हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. सो फॉर योर कंटेंट, यू डोंट रियली नीड टू फोकस ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या सेंटेंसेस. व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि आप लेक्चर में से अराउंड 10-12 कीवर्ड्स बोले, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोले बट क्लियर बोले. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का क्या मतलब है, कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई वर्ड बार बार आ रहा है, टॉपिक वर्ड्स, टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स, या भी या फिर कोई और भी नाउन जो लेक्चर में आया, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कंटेंट के लिए 10 से 12 कीवर्ड्स बोलने हैं एटलीस्ट. अगर कम कीवर्ड्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर कंटेंट इज, 10 से 12 कीवर्ड, एक मॉडरेट पेस पे और क्लियरली बोलने, यू आर फाइन. आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखना, रुकना नहीं है, अराउंड 25-30 सेकेंड्स बोलो, बहुत है. टेम्पलेट यूज करो, ये टेम्पलेट यूज करके मेरे 10 बार 90 आए, हजारों स्टूडेंट्स के 90 आए, यू विल बी फाइन. पीटी स्पीकिंग में ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर इवेल्युएट नहीं होती, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस मत करना. आप क्या सेम कीवर्ड्स रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. बच्चे कहते हैं ये रेपुटेशन हो जाएगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड रेपुटेशन. व्हाई,
लेट्स से आपको एक पेरिस के ऊपर लेक्चर आया और आप इसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पेरिस वर्ड सिर्फ एक ही बार बोलोगे, आप दो तीन बार तो बोलोगे ना उसको। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का क्या मतलब है? फैंसी वर्ड्स यूज करने, पीटी स्पीकिंग में वोकैबुलरी मार्क नहीं होती है, सिंपल वर्ड यूज करने। मैं देखता हूँ बच्चे इतने हैवी हैवी वर्ड बोलते हैं, उनसे प्रोनाउंस ही नहीं होते। मत बोलो भाई, इजी वर्ड बोलो। ग्रामर, रेपिटेशन, वोकैबुलरी का कोई चक्कर नहीं है पीटी स्पीकिंग में। टेम्पलेट क्या है? यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा, डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ही टोल्ड अबाउट एक कीवर्ड, दो कीवर्ड एंड तीन कीवर्ड। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट चार की मतलब फोर्थ कीवर्ड, फिफ्थ कीवर्ड एंड सिक्स कीवर्ड। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट सेवंथ कीवर्ड, एट कीवर्ड एंड नाइन्थ कीवर्ड। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट टेंथ कीवर्ड, इलेवंथ कीवर्ड एंड ट्वेल्थ कीवर्ड। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट थर्टीन कीवर्ड, फोर्टीन कीवर्ड एंड फिफ्टीन कीवर्ड। टू कंक्लूड द लेक्चर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको करके दिखाता हूँ। हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना अपनी नोटबुक को इस तरीके से आपने डिवाइड करना है। 100 में से 100 बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? नोट्स तो ले लेते हैं, कीवर्ड्स तो लिख लेते हैं, लेकिन जब बोलना होता है अपनी हैंड राइटिंग ही नहीं समझ आती। भाई कम लिख लो, चार वर्ड कम लिखो, बट जो भी लिखो नीट लिखो, और कोई भी ऐसा वर्ड मत लिखो जो मुश्किल लगता है बोलना। अपनी नोटबुक को डिवाइड करो, एक कीवर्ड यहाँ, एक कीवर्ड यहाँ, एक कीवर्ड यहाँ। बहुत लॉन्ग कीवर्ड्स नहीं लेने, एक दो या तीन वर्ड का कीवर्ड लेना है। इंडिया वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ही टोल्ड अबाउट इंडिया पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ वैक्सीनेशन। ही टोल्ड अबाउट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ही टोल्ड अबाउट ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन रेट एंड लिटरेसी रेट। ही टोल्ड अबाउट रेट ऑफ एग्जामिनेशन, विनर्स एंड रनर्स अप। ही टोल्ड अबाउट लॉकडाउन, कोविड-19, एग्जाम कैंसिलेशन। ही टोल्ड अबाउट दिस दिस एंड दिस। टू कंक्लूड द लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव। अब आपको जब ही टोल्ड अबाउट के साथ तीन कीवर्ड बोलने हैं, वो एक सेंटेंस की तरह बोलने हैं, आपने ऐसे नहीं बोलना ही टोल्ड अबाउट इंडिया पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ वैक्सीनेशन। आपने बोलना ही टोल्ड अबाउट इंडिया पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ वैक्सीनेशन। तो सेंटेंस की तरह साउंड करना चाहिए, ठीक है? अराउंड 25 to 30 seconds। अब लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 6 कीवर्ड आए हैं, जो टॉप वाले 6, ये नीचे वाला कुछ नहीं पता लगा आपको क्योंकि लेक्चर फास्ट था, ठीक है? या छोटा था। बात याद रखो, अगर आपको छोटा लेक्चर लग रहा है ना, तो सबको लग रहा है। एंड पीटी, ये नहीं है कि पीटी ने 30 सेकंड का लेक्चर दिया और पीटी कह रहा है कि भाई तू 50 कीवर्ड बोल दे। कम कीवर्ड से स्ट्रेस नहीं करना, आपके पास कम कीवर्ड से आप कुछ नहीं कर सकते। द बेस्ट यू कैन डू इज अटेम्प्ट इट पॉजिटिवली। अगर मेरे साथ ऐसा होगा मैं क्या करूंगा? इंडिया वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ही टोल्ड अबाउट इंडिया पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ वैक्सीनेशन। ही टोल्ड अबाउट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ही टोल्ड अबाउट इंडिया गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स। ही टोल्ड अबाउट स्पोर्ट्स, पॉपुलेशन एंड एजुकेशन। ही टोल्ड अबाउट एजुकेशन, रेट ऑफ वैक्सीनेशन, पॉपुलेशन। ही टोल्ड अबाउट पॉपुलेशन, स्पोर्ट्स इन इंडिया। ही टोल्ड अबाउट गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड स्पोर्ट्स। टू कंक्लूड द लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव। सेम कीवर्ड रिपीट करो, बट चुप नहीं होना है। 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड तक जाओ, क्लियर बोलो। कई बार आपको लेक्चर के साथ इमेज भी आएगी, इसमें अगर कीवर्ड्स हैं और इजी कीवर्ड्स हैं ये भी आप बोल सकते हो। ही टोल्ड अबाउट प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सोल्यूशन। लेकिन अगर इसमें डिफिकल्ट कीवर्ड्स हैं, नहीं बोले जाते, मत बोलो। प्लस अगर कोई वीडियो आ रही है, वीडियो को मत देखो, आप कंफ्यूज होगे। आप अपने नोट टेकिंग पे फोकस करो, ठीक है? इन चीजों पे फोकस करना, यू विल बी फाइन। अब आपको एक बड़ी समरी दे देता हूँ इसकी। आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत इजी तरीके से बंदा बोल रहा है, ऐसा होगा भी? भाई सेम चीजें यूज करके हम अपने बच्चों को भी बताते हैं। 30,000+ रिजल्ट्स आए, मेरे 10 पर 90 आए। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरा यही एम है कि आपका डिजायर्स पूरा है। करना क्या है, लेक्चर चलेगा, नोटबुक को कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड करना है। इजी कीवर्ड लेने हैं जो आप क्लियरली बोल पाओगे, बहुत लंबे कीवर्ड नहीं लेने और नीटली लेने हैं। टेंशन नहीं लेने कि मैं 40 कीवर्ड लिख लूँ, मैं 50 लिख लूँ, मैं 60 लिख लूँ। जितना आप आराम से लिख सकते लिखो, कोई चक्कर नहीं, कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? अगर लेक्चर बहुत ही लेंदी है, आपने 15-16 कीवर्ड लिख लिए, आपको लग रहा है इनफ कीवर्ड्स हैं, लिखना बंद करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो, सो दैट जब रिकॉर्डिंग शुरू हो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। करना क्या, लेक्चर शुरू हुआ, नीटली आपने कीवर्ड्स लिखने। डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड 3। ही टोल्ड अबाउट 4, 5 एंड 6। ही टोल्ड अबाउट 7, 8 एंड 9। कम कीवर्ड्स हैं तो रिपीट करो। फास्ट नहीं जाना है, मॉडरेट पेस पे जाना है। सेंटेंस के बाद हल्का सा पॉज लेना है, क्लैरिटी पे फोकस करना है। कोई भी वर्ड श्योर नहीं है, नहीं बोल। इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर इमेज में भी कीवर्ड्स हैं जो इजी हैं वो बोलो, अगर मुश्किल लगते हैं मत बोलो। कम कीवर्ड्स हैं रिपीट करो, 25 to 30 seconds जाओ, एंड यू विल बी 100% फाइन। इजी टास्क येट इम्पॉर्टेंट टास्क, एवरी डे 3 से 4 प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ये टेम्पलेट में टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट आ रहा है, डरना मत। अगर आइल्स की हुई है कि भाई हमें तो वोकैबुलरी नहीं आ रही, फैंसी वर्ड नहीं आ रहे, कोई फैंसी फुंसी की लोड नहीं है, टेंशन और हो, ठीक है? कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूँ, लेट मी नो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और कभी भी मेरी वीडियोज देख के स्कोर आता है, लैंग्वेज अकेडमी की वीडियोज देख के स्कोर आता है, डू लेट अस नो। एक ही एम है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पैसे वेस्ट ना हो, और डिजायर्ड स्कोर जल्द से जल्द आए। दैट्स इट। कोई हेल्प चाहिए हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑनलाइन भी हम क्लासेस करवाते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन
एनी ऑफ दिस नंबर्स, हर जगह ब्रांचेस हैं। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आप जाओ languageacademy.com.au, रजिस्टर करो, आंसर सबमिट करो। AI इवेल्यूएटेड है जो कि बहुत सिमिलर है, आपको पता लगेगा कितना स्कोर आ रहा है, क्या गलतियां हो रही है और कैसे इंप्रूव करना है। लैपटॉप नहीं है, आप एंड्रॉयड या गूगल या iOS प्ले स्टोर से LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो क्या स्कोर आ रहा है और कैसे इंप्रूव करना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप भी कर लोगे। बेसिक्स क्लियर रखना बहुत इजी टेस्ट है, टेंशन ना लेना, करते रहना और सही डायरेक्शन में करना, गलतियों से सीखना, इजी रखना, कॉम्प्लिकेट मत करना, 100% स्कोर आएगा। आई विल सी यू वेरी सून।